पिछली 5 वीडियोस में मैंने आपको बताया है कि मुंबई में मेरा अनुभव कैसा रहा, यहाँ के इतिहास को टटोलकर वर्तमान के पहलुओं को भी जानने की कोशिश, कैसे मुंबई मायावी और आर्थिक नगरी बनी, ये सब कुछ अब मुझे समझ में आ रहा था। साथ ही समुद्र का रूप क्या होता है ये भी मुझे मुंबई आकर ही पता चला। यहाँ जितने समुद्र देखे उतने ही मेरे नए अनुभव थे। आज बारी थी मुंबई से सटे एक ऐसी जगह जाने की जिसे समुद्री किनारों का शहर बोलना गलत नहीं होगा, और ये जगह है अलीबाग। अलीबाग कैसे जाना है, यहाँ कहाँ कहाँ घूम सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं, इस तरीके की सभी जानकारी आपको मिलेगी आज के इस वीडियो में। तो वो चलिए मेरे यानी दीपक झा के साथ घूमिए अलीबाग। अलीबाग पहुंचने के लिए मैं गेटवे ऑफ इंडिया से फेरी लेकर पहुंच गया मंडावा। मंडावा तक पहुंचने का भी सफर मेरा कम रोमांचक नहीं था। पहली बार समुद्री जहाज में बैठना, अपने आप में ही लग रहा था कि हाँ मैंने कुछ एक नया अनुभव किया है। गेटवे ऑफ इंडिया से मंडावा जाने में करीबन 1.5 घंटे का समय लगा, जिसके लिए मैंने 260 रुपए की टिकट ली। इसमें अलीबाग तक की टिकट शामिल थी। मंडावा पहुंचने के बाद सरकारी बस से करीबन 1.5 घंटे के बाद मैं अलीबाग पहुंच गया। अलीबाग में पहुंच तो गया पर अब मुझे कहाँ जाना है ये मुझे पता ही नहीं था। इस पूरी मुंबई ट्रिप में मुझे यहाँ पर मेरे रिसर्च की कमी खल रही थी। मैंने यहाँ वर्सोली बीच और अलीबाग के बारे में कुछ कुछ पता था कि दोनों बीच आसपास ही है, लेकिन इसके अलावा और कहाँ कहाँ जाना है ये मैंने रिसर्च ही नहीं किया। लोकल से पूछा तो पता चला कि अभी अलीबाग में ही घूमना चाहिए, वर्सोली बाद में जाना चाहिए, बाकी के बीच तो यहाँ से दूर है। लेकिन इतने में एक और सज्जन से बात हुई, उन्होंने कहा कि आप आगे आ गए, यहाँ से वर्सोली पास में ही है और आप वॉकिंग करके ही कुछ ही देर में वर्सोली बीच पहुंच जाएंगे। करीबन 15 मिनट की वॉकिंग के बाद मैं वर्सोली बीच पहुंचा। इस बीच को देखकर मैं देखता ही रह गया। अब चूंकि समुद्र का अनुभव तो मुझे हो गया था, लेकिन ये बीच इतना सुंदर था कि मैं क्या ही कहूं। यहाँ के बीच को देखकर मुंबई के बीच को मैं बहुत ही हीन नजर से देख रहा था कि ये भी कोई बीच है। बीच तो ऐसे होने चाहिए, कितने साफ कितने सुंदर, पानी और रेत से सीप को साफ साफ देखते हुए मैं खुश हो जा रहा था। यहाँ की खास बात यह थी कि यहाँ पर लोग काफी कम थे, पूरी बीच पर गिनती के ही लोग थे, और ऐसा लग रहा था जैसे मानो ये मेरी अपनी प्रॉपर्टी हो और मैं यहाँ पर अकेले घूमने निकला हूँ। दूर दूर तक लोगों का नामो निशान नहीं था। अब यहाँ से आगे जाने के लिए मैंने अलीबाग बीच से ऑटो लिया और उससे पहले ये चाट और भेलपुरी खाई और कुछ ही देर में पहुंच गया अलीबाग। अलीबाग बीच के पास आते ही बारिश शुरू हो गई और अब जरूरत थी बैग को बचाने और रात में आराम करने के लिए रूम की। तो पता चला कि अलीबाग बीच के आसपास काफी रूम्स अवेलेबल है, यहाँ पर 600-700 रुपए से लेकर हर बजट के रूम मिल जाते हैं। और फाइनली मैंने अलीबाग बीच के बिल्कुल बगल में ये रूम लिया जो कि काफी अच्छा था। और यहाँ पे मुझे जो होटल मिला है वो कुछ ऐसा है, काफ़ी अच्छा होटल है, होटल भी काफ़ी अच्छा है, और इसके लिए मैंने जो है 2000 रुपये का टैरिफ दिया है। और रूम काफ़ी बड़े हैं, ठीक है, और वॉशरूम काफ़ी साफ़ सुथरे हैं, नए हैं, बहुत ही अच्छी कंडीशन में है ये रूम जो है, और टीवी है, वाईफाई है, तो बेसिक नीड की जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हैं, और टैरिफ 2000 रुपये का देना पड़ा मेरे को, तो ठीक है, अच्छा है। और सबसे अच्छी बात बगल में ही बीच है, बीच के बिल्कुल बगल में ये होटल है, तो इस तरीके के और भी होटल इस लाइन में आपको मिल जाएंगे जिनका टैरिफ जो है 1500 से लेके 3,500-4,000 तक में यहाँ पे आपको मिल जाता है, बढ़िया सा चीज़ है। और अगर आप इससे थोड़ा सा दूर जाते हैं, अगर 1.5 किलोमीटर आगे पीछे की तरफ लेते हैं, तो वहाँ पे 800 रुपये से लेके अलग अलग तरीके के, अगर विलास में जाते हैं तो 10,000-12,000 पहुँच जाते हैं, और अगर आप रूम्स लेते हैं तो 700-800 रुपये के भी रूम्स यहाँ पे मेरे को पूछने पर पता चला है, तो लेकिन उनकी कंडीशन इतनी अच्छी खैर नहीं है। तो फाइनली मैंने ये अटेंड किया है और आज मैं यहीं स्टे करने वाला हूँ। काफ़ी अच्छा है, पास में बीच के बिल्कुल बगल में यही है, तो इस करके मैंने जो है ले लिया ताकि नाइट का व्यू भी ले सकूँगा और अर्ली मॉर्निंग उठ के भी बीच का नज़ारा देख सकूँगा। यहाँ सामान रख कर और बारिश बंद होने का इंतजार करने के बाद मैं पहुंच गया समुद्र के किनारे। ये ढलती शाम में बीच देखना
मुझे मुंबई के वर्सोवा बीच से भी बहुत प्यारी लग रही थी। यहाँ भी मैं एक एक क्षण आंखों में कैद कर पा रहा था और कुछ देर के लिए तो मैं ठहर ही गया था। बस एक टक आसमान और समुद्र के मेल को देखते जा रहा था। कुछ ही देर में नजर पड़ी इस किले पर जो कि मराठाओं का किला था। इस किले तक जाने के लिए समुद्र के बीच से पैदल ही जाना होता है या फिर इस घोड़ा गाड़ी की मदद से भी किले तक जा सकते हैं, लेकिन अब इसके बंद होने का समय हो गया था और कल सुबह ही इस किले को देखने का प्लान करते हुए मैं पहुंच गया अब खाना खाने की तलाश में। और आज मैं कुछ लोकल खाने की फिराक में था। कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि यहाँ लगभग हर रेस्टोरेंट में महाराष्ट्र के लोकल डिश खाने को मिल जाते हैं। यहाँ का खाना एकदम अलग था लेकिन काफी अच्छा। आज रात आराम करके अब पारी थी अगली सुबह बीच को निहारने की और किले को देखने, लेकिन नियति को तो कुछ और ही मंजूर था। आज सुबह से इतनी तेज बारिश हो रही थी कि निकलना ही मुश्किल था और करीबन 8 बजे बारिश बंद हुई और मेरे सूर्योदय देखने के प्लान पर पानी फिर गया। अब मैं बीच पर गया और सबसे पहले किले पर जाने की कोशिश की तो पता चला कि आज पानी ज्यादा है। जब तक पानी कम नहीं हो जाता किले में नहीं जा सकते और पानी को कम होने में शाम के 5 बज सकते हैं। एक बार फिर से मैं पहुंच चुका हूँ अलीबाग बीच पे और सुबह से जो है मैं सोच रहा था कि सनराइज देखूं यहाँ पे आके, लेकिन सुबह से बारिश जितनी थी बाहर निकलने का मौका नहीं। और अभी फिर जब जैसे हम बाहर निकले फिर से बारिश शुरू हो चुकी है तो, और वो जो किला है उस किले के लिए जाने का रास्ता जो है वो पानी से होकर ही जाना पड़ेगा, लेकिन अभी पानी ज़्यादा होने के कारण अभी जो है पैदल वालों को मतलब वहाँ पे जाने के लिए मना कर रखा है। वहाँ पे आप पैदल जा सकते हैं या फिर टांगे की मदद से जा सकते हैं, और अभी दोनों ही चीज़ें जब तक पानी कम नहीं हो जाता तब तक नहीं चल पाएंगी तो ये चीज़ कैंसिल करनी पड़ेगी। और मैं मायूस होकर कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी करके खुद के मन को बहलाने की कोशिश की और ये स्पोर्ट बाइक चलाकर समुद्र के एक किनारे तक गया। ये अनुभव भी काफी अच्छा था। अलीबाग फिर से और कभी आने का प्लान करके अच्छे से घूमने का विचार करके मैंने इस अलीबाग की इस यात्रा को विश्राम दिया। अब यहाँ से वापस मंडावा जाने के लिए ऑटो किया और इन भैया की मदद से पहुँच गया मंडावा। अगर आप मुंबई के आसपास रहते हैं या आप मुंबई घूमने का प्लान कर रहे हैं तो आपको एक दो दिन का समय निकाल कर अलीबाग भी जरूर आना चाहिए। यहाँ आप वर्सोली और अलीबाग के अलावा किहिम बीच, आवास बीच, मंडावा बीच, लोटस लेक के साथ साथ अक्सी बीच जैसे कई और बीच घूम सकते हैं। इसके अलावा पुर्तगालियों और मराठाओं के बने किले, चर्च आदि को देखकर एक अलग ही शांति का अनुभव करेंगे। आपको अलीबाग की ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताएं। साथ ही अपने दोस्तों रिश्तेदारों को ये वीडियो जरूर सेंड करें। इसके अलावा आपको मुंबई सीरीज कैसी लगी ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आपने मुंबई सीरीज की वीडियोस नहीं देखी तो प्लीज उसे भी देख लीजिए। तो ये था अलीबाग का पूरा वीडियो और होपफुली आपको ये सारी चीज़ें मैंने अच्छे से बताई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल मन मकर को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही साथ अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जल्दी मिलते हैं एक नई जगह पर एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद।